हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर कनेक्टेड विद आरके स्वाज फॉर मैथमेटिक्स 10+2। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 8। अज्यूम दैट अ फैक्ट्री हैज टू मशीन्स। पास्ट रिकॉर्ड्स शो दैट मशीन One produced 60% of item of output and machine second produced 40% of items। क्या कहते हैं यहाँ पे? दो मशीन है, मशीन वन एंड मशीन टू। मशीन वन जो है वो आइटम प्रोड्यूस करती है 60% जो टोटल होता है उसका। जो सेकेंड मशीन है वो 40% आइटम प्रोड्यूस करती है। फर्दर आगे क्या होता है, 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन वन यानी कि फर्स्ट वर डिफेक्टिव, यानी कि फर्स्ट मशीन ने जितना भी प्रोडक्शन तैयार किया है उस क्या कहता है, वहां पर 2% की बात जो आती है वो डिफेक्टिव मिलता है। एंड ओनली 1% प्रोडक्ट बाय मशीन सेकंड वर डिफेक्टिव, जो सेकंड मशीन है उसका डिफेक्टिव मिलता है 1%। If a defective item is drawn at random, क्या कहते हैं, अगर defective item जो होगा वो draw किया जाता है, what is the probability that it was produced by machine one? तो हमें probability का पता लगाना है कि वो जो भी रहेगा defective item वो machine first से हो, इस चीज की probability। यहां से इसको बेज थ्योरम से करना चाहेंगे हम, तो उसके लिए पहले इवेंट की बात करते हैं। तो लेट इवेंट E1 E2 बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिव, यानी कि फर्स्ट मशीन से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसको हम, उसकी जो इवेंट बनेगी उसको E1 बोल देते हैं, E2 इवेंट बोल देते हैं जो सेकंड मशीन से प्रोडक्शन होती है। एंड लेट कर लेते ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए डिफेक्टिव आइटम। ए क्या कर लेते हैं कि वो डिफेक्टिव आइटम होगा जो ड्रॉ किया गया है, वो इवेंट ए बोल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें तो उसने कहा था प्रोबेबिलिटी E1 क्या है, फर्स्ट मशीन का प्रोडक्शन है, फर्स्ट मशीन का 60%, तो यही तो प्रोबेबिलिटी 60/100 हो जाएगी। और E2 यानी कि सेकंड मशीन का जो प्रोडक्शन हो 40%, तो 40/100 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब 60/100 को 3/5 लिख लेंगे, 40/100 को 2/5 लिख लेंगे। अब जो बात कर रखी ए की, ए इवेंट कौन सी है, ए इवेंट में हमने लेट किया कि ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव आइटम, तो वो इवेंट ए है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इज इक्वल टू 2/100। 2/100 कहां से आई, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम जो फर्स्ट मशीन से प्रोडक्ट हुआ है तो वो 2% बोला है, परसेंट को मतलब 2/100 बोल देंगे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम। अगर मशीन सेकंड की प्रोबेबिलिटी अगर डिफेक्टिव आइटम की निकालनी है तो 1% का मतलब 1/100 हो जाएगा, ये लिखा है। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। अब E1 गिवन ए प्रोबेबिलिटी ही क्यों फाइंड आउट करना, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि उसने जो पूछा है क्या कहे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन फर्स्ट, यानी कि मशीन फर्स्ट को हम E1 इवेंट लेट करके चले प्रोडक्शन को, तो इसका मतलब हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, यानी कि फर्स्ट मशीन से डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी पता लगाना है, तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। अब प्रॉपर्टी ऑफ E1 की 3/5 है और प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन ई की वैल्यू 2/100 है, अपॉन में वही रहेगा 3/5 इंटू 2/100 प्लस ये क्या आ गया प्रॉपर्टी ऑफ E2 दैट इज 1/100 और प्रॉपर्टी E2 है 2/5 और प्रॉपर्टी ए गिवन E2 की प्रॉपर्टी 1/100। तो इनको आप सोल्व करोगे तो क्या पाओगे, 3/4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी
ऑफ डिफेक्टिव आइटम ड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मशीन फर्स्ट। नेक्स्ट है इन अबोर्ट फैक्ट्री मशीन 1, 2, 3 मशीन फर्स्ट सेकंड थर्ड मैन्युफैक्चर 60% 25% 15% रिस्पेक्टिवली, यानी कि मशीन फर्स्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है 60% आइटम और सेकंड जो है वो 25% को प्रोड्यूस करती है, जो थर्ड मशीन है वो 15% आइटम को प्रोड्यूस करती है। ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट, जितने भी आउटपुट होती उनकी 1% 2% एंड 1% आर डिफेक्टिव बोर्ड्स रिस्पेक्टिवली आल्सो। क्या कहा गया है, फर्स्ट मशीन से डिफेक्टिव 1% रहेंगे टोटल का और सेकंड मशीन का 2% डिफेक्टिव है, थर्ड मशीन आल्सो गिव्स 1% डिफेक्टिव आइटम। अ बोर्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन, क्या कहा गया, टोटल प्रोडक्शन में से एक बोल्ट को ड्रॉ किया गया है। तो यहां से एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो जो मिला जो टोटल प्रोडक्शन में से एक बोल्ट को हमने ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव पाया गया, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पर यह है कि तीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट का भी निकालना है सेकंड का भी निकालना है, अगर वो थर्ड से होता तो वो भी निकालना है। अगर मैं कह दूं अगर ऊपर ऊपर जो हमने अभी एक सम किया है उसी का ये एक तरीके से पैटर्न है, बट वहां पर एक ही बात पूछी गई थी कि मशीन फर्स्ट की, यहां पर तीनों पूछे गए हैं तो मशीन फर्स्ट भी निकालेंगे सेकंड भी निकालेंगे थर्ड भी निकालेंगे। तो इसलिए लेट कर लेते हैं, यहां पर तीन इवेंट आएंगे, मशीन फर्स्ट जो प्रोड्यूस करती है उसको E1 बोल देते हैं, मशीन सेकंड प्रोड्यूस करती है उसको E2 इवेंट बोल देते हैं, मशीन थर्ड जो प्रोडक्ट तैयार करती है उसको इवेंट E3 बोल देते हैं। तो यहां एक इवेंट लेट कर लेते हैं जिसको हमें पता लगाना है, लेट ए बी द इवेंट द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, तो हमें डिफेक्टिव की प्रॉबर्टी निकालनी, फर्स्ट से भी निकालनी सेकंड से भी निकालनी थर्ड से, तो तीन पार्ट रहेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रॉबर्टी ऑफ इवन, यानी कि 60% की प्रोडक्शन थी फर्स्ट मशीन की इसलिए 60/100 आ जाएगी, सेकंड मशीन की प्रोडक्शन 25% थी इसका मतलब 25/100 आ जाएगी प्रॉबर्टी E2 की, थर्ड मशीन की 15% प्रोडक्शन थी तो इसलिए प्रॉबर्टी ऑफ E3 इज इक्वल टू 15/100 हो जाएगी। अब उसने कहा था डिफेक्टिव आइटम फर्स्ट मशीन से कितने परसेंट आ रहे हैं 1%, तो 1/100 हो जाएगा ए गिवन E1। और प्रॉबर्टी ऑफ ए गिवन E2 की बात करें वहां पर सेकंड मशीन का डिफेक्टिव आइटम 2% था 2/100 हो जाएगा, और प्रॉबर्टी ऑफ ए गिवन E3 की बात करूंगा तो वो बोल रहा था थर्ड मशीन से प्रोडक्शन जो आ रही थी डिफेक्टिव 1% आ रही थी इसलिए 1/100 लिख देंगे। We have to find probability of even given A. तो बीच थ्योरम क्या कहेगी? अब even given A क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट मशीन से डिफेक्टिव आइटम को लेकर चल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, यहां से पार्ट फर्स्ट शुरू हो जाता है। ये कॉमन बातें हैं, आगे सेकंड में भी थर्ड में भी यूज करेंगे इन सब का और फर्स्ट में भी यूज करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट एक्चुअल में यहां से शुरू होता है। तो क्या कहते हैं, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इवन गिवन ए, बाय बेस थ्योरम क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। तीन इवेंट है तो अब इनकी वैल्यू डाल दी जाएगी, इवन की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ए गिवन की प्रोबेबिलिटी इवन की, ए गिवन इवन की, E2 की प्रोबेबिलिटी, ए गिवन E2 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ए गिवन E3 की प्रोबेबिलिटी।
जैसे ही सोल्व करोगे तो 60 बाई दिस यानी कि 125, तो उसको सोल्व करोगे 12 बाई 25। ये है आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड है, अगर वो मशीन जो डिफेक्टिव आइटम होता वो सेकंड मशीन से लिया गया होता तो आंसर क्या रहेगा, तो उसके लिए लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गिवन ए, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन ई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई थ्री। तो नीचे तो देख पा रहे हो कि सेम रहेगा तीनों पार्ट्स में, फर्स्ट में ऊपर रहेगा प्रोबेबिलिटी ई वन इंटू ए गिवन ई वन, सेकंड में रहेगा प्रोबेबिलिटी ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, और थर्ड में इसी तरीके से ऊपर ऊपर का चेंज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई थ्री, बाकी नीचे तीनों का सेम रहेगा। तो आप इसमें वैल्यूज डालेंगे, ई टू की प्रोबेबिलिटी 25/100 कैसे ये देखो, और ए गिवन ई टू की बात करते हैं तो 2/100 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई नीचे भी इस तरीके से इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 2/5। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम द सेकेंड मशीन। अब है हमारा क्वेश्चन कि वो थर्ड मशीन से डिफेक्टिव होता तो क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री गिवन ए, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई थ्री अपॉन में वही जो आप डाल के आ रहे थे टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज डाल देंगे, ऐड करेंगे तो 3/25 लेंगे। नेक्स्ट है टेंथ, इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन फर्स्ट एंड सेकंड मैन्युफैक्चर इक्वल नंबर ऑफ बोल्ट, मतलब यहां पर आपकी बार नहीं बताया गया 25% है 50% है 30% है क्या है, बट एक चीज दे रखी है कि दोनों मशीन इक्वल नंबर ऑफ बोल्ट तैयार करती, इसका मतलब क्या है 50 फर्स्ट वाली दे रही है तो प्रोडक्शन सेकंड भी 50% दे रही है, तो आप 50% मानकर चलेंगे फर्स्ट के लिए, 50% मानकर चलेंगे सेकंड के लिए। ऑफ द टोटल ऑफ देयर प्रोडक्ट आउटपुट 1% एंड 2% आर डिफेक्टिव, तो फर्स्ट वाली जो मशीन है उसका डिफेक्टिव आइटम 1% है टोटल का, और जो सेकंड है उसका डिफेक्टिव आइटम निकल के आ रहे हैं 2%। अ बोल्ट इज रन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हुआ वहां से एक बोल्ट को ड्रॉ किया गया है, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और जो प्रोडक्ट में से एक बोल्ट को उठाया गया वही डिफेक्टिव मिला, फ्रॉम विच मशीन द डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड। क्या पूछा गया है, तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन वही है जो अब तक करते आ रहे, बट वर्डिंग का थोड़ा सा खेल है यहां पर, मानता हूं जरूरी है करना पहले की अपेक्षा जो पीछे चले गए हैं उनसे डिफरेंट है, काम करने का तरीका हमारा वही रहेगा, बट जब तक स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी तब तक हम उसके बारे में क्या आंसर देंगे। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये मतलब क्या है, क्या पूछा गया है, फ्रॉम विच मशीन डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस किया गया उसका एक्सपेक्टेड पूछा गया, इसका मतलब किसकी ज्यादा है, तो यहां पर क्या देंगे, जिसकी भी ज्यादा रहेगी उसी के लिए आंसर उसको छोड़ दिया जाएगा। तो एक तो पहले में डाली गई, पहली स्टेटमेंट में पहली लाइन में बोली गई थी कि दोनों की इक्वल नंबर ऑफ बोल्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, तो इसका मतलब 50% 50% निकल के आता है। अब यहां पर पूछ लिया गया है फ्रॉम विच मशीन द डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन प्रोड्यूस, मतलब जिसकी ज्यादा प्रोडक्शन रहेगी प्रोबेबिलिटी निकलेगी फर्स्ट मशीन या सेकंड मशीन के लिए, जिसकी प्रोडक्ट ज्यादा रहेगी वही आंसर दे देंगे हम। और फिर बाकी शुरुआत करते हैं पहले की तरह ही, दो इवेंट रहेंगी, फर्स्ट मशीन जितने प्रोड्यूस प्रोडक्ट तैयार करते सेकंड मशीन उसको E1 और E2 रिस्पेक्टिवली हम बोल देते हैं, एंड लेट ए बी द इवेंट ड्रॉइंग डिफेक्टिव बोल्ट, तो डिफेक्टिव बोल्ट को हम इवेंट ए बोल देते हैं। तो
आप यहाँ पर E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी क्योंकि 50% है, 50/100 का मतलब 1/2 फर्स्ट के लिए रहेगा, 1/2 सेकंड के लिए रहेगा। आप एक इवन इवन की प्रोबेबिलिटी 1/100 कहां से आएगी, क्योंकि फर्स्ट वाले का जो डिफेक्टिव आइटम थी 1% थी, सेकंड मशीन से जो थी वो 2% थी, तो 2/100 लिख देंगे एक इवन E2 की प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या पता लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए भी पता लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए भी पता लगाना, दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। अब इनमें वैल्यू डाल लेंगे तो रिजल्ट आया है 1/3। सेकंड केस में जो आएगा सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, तो वो जो रहेगा उनकी वैल्यू डालेंगे और उसका सॉल्यूशन मिला अपने को 2/3। तो 1/3 ज्यादा है कि 2/3, तो नेचुरली 2/3 ज्यादा रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने पर कंपैरिजन करेंगे न्यूमरेटर का, तो 2 ज्यादा है, तो लिख देंगे दस डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सेकंड। इसलिए मशीन सेकंड आंसर में डाल दी जाएगी, वो क्या रहेगी, डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड। तो डिफेक्टिव किसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वैसे तो आप यहां से भी बता सकते थे अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, तो जिसका ज्यादा परसेंट है डिफेक्टिव, तो सीधी सी बात है प्रोबेबिलिटी भी उसी की निकलने वाली है, तो यही बात रहेगी डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सेकंड। इफेक्ट यानी कि आप एक बात करेंगे हम यहाँ पर स्टेटमेंट को, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता आगे कोई दिक्कत आने वाली है, आएगी तो स्टेटमेंट को समझने से है। नेक्स्ट, अ फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स एक्स वाई जेड, तो 3 मशीन है, पहली मशीन को एक्स नाम दे रहा है, दूसरी मशीन को वाई दे रहा है, तो तीसरी मशीन को जेड नाम दिया गया है। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1000, 2000 और 3000 बोर्ड पर डे रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट मशीन की प्रोडक्शन 1000 और सेकंड मशीन की 2000 बोर्ड एंड थर्ड मशीन की प्रोडक्शन 3000 बोर्ड पर डे है। मशीन एक्स प्रोड्यूस 1% इफेक्टिव बोर्ड, वाई प्रोड्यूस 1.5% एंड जेड प्रोड्यूस 2.2% डिफेक्टिव बोल्ट। एट द एंड ऑफ डे अ बोल्ट इज ड्रॉन, मतलब एक दिन के अंत पर, यानी कि पूरा दिन हो चुका है, उसके बाद एक बोल्ट को उठाया जा रहा है रैंडमली एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, जो बोल्ट उठाया वो डिफेक्टिव मिला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डिफेक्टिव बोल्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एक्स, एक्स कौन सी थी, फर्स्ट वाली थी, तो मतलब फर्स्ट वाले का ऊपर रखेंगे नीचे सबका, लास्ट और प्रोबेबिलिटी वाला केस डाल देंगे ऐड करके। कैसे, तो सबसे पहले इवेंट लेट करते हैं E1, E2, E3 कौन है। बी द इवेंट ड्रॉइंग द बोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली एंड लेट ए बी द इवेंट ड्रॉइंग बोर्ड इज डिफेक्टिव। उसके बाद हम बात करते टोटल बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे कितने हो रहे हैं, वो 1000 + 2000 + 3000 यानी कि 6000। अब बात करते प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की, दैट इज 1000 / 6000, क्यों, क्योंकि जो एक्स मशीन थी वो प्रोड्यूस कर रही थी 1000 बोल्ट पर डे और टोटल बोल्ट कितने हो रहे थे पर डे में 6000, इसलिए 1000 / 6000 यानी कि 1/6 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2000 / 6000, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 3000 / 6000 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, वो बोल रखा था उसने 1% बोला था, तो 1/100 आ जाएगा। सेकंड यानी कि वाई मशीन की बात कर रहा था तो वो 1.5% बोल रहा था, तो ए गिवन E2 की प्रोबेबिलिटी 1.5/100 बोलो या फिर 15/1000 बोलो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 यानी कि थर्ड मशीन पर डिफेक्टिव आइटम 2% बोल रहा था, तो 2/100 बोल दिया हमने प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3 की। एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, बीज थ्योरम का यूज करते हुए हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए गिवन इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ई थ्री इनटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई थ्री। अब इनमें वैल्यूज उठाकर डाल दी जाएंगी और जैसे ही सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1। तो क्या है ये प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो, जो कि फर्स्ट मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट उठाने की बात पूछी गई थी। नेक्स्ट, ए कंपनी हैज टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर्ड कार्स। प्लांट वन मैन्युफैक्चर 70% ऑफ कार्स एंड प्लांट सेकंड मैन्युफैक्चर 30% कार। एट प्लांट फर्स्ट 80% ऑफ कार आर रेटेड एज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी होती है वो 80% बना रही फर्स्ट कंपनी, या फर्स्ट प्लांट बोल लो, यहाँ पर कंपनी तो एक ही है, प्लांट फर्स्ट जो है 80% स्टैंडर्ड की बना रही। तीसरी बात है, जो स्टैंडर्ड की नहीं है या नॉन स्टैंडर्ड की बात करें तो 20% है। आगे बात करते हैं, एट प्लांट सेकंड 90% ऑफ कार आर रेटेड एज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी सेकंड प्लांट में 90% हो रहा है प्रोडक्शन। ए कार इज चूजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। एक कार को चूज किया गया और वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की पता लगी वो में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्लांट फर्स्ट, ये पता लगाइए, जबकि वो प्लांट फर्स्ट से अगर वो कार आई है। तो सिमिलरली हम इवेंट लेट करेंगे इवन ई टू, क्यों, क्योंकि दो ही प्लांट है इसमें, इवन को फर्स्ट प्लांट ई टू सेकेंड प्लांट से। क्या बोलेंगे, लेट इवन एंड ई टू बी इवेंट दैट कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट फर्स्ट एंड प्लांट सेकेंड रिस्पेक्टिवली। लेट ए बी द इवेंट दैट द कार इज चूजन एज ऑफ ए स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी की चूज करने के लिए बोल रहे हैं हम ए, और फर्स्ट प्लांट से प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रही है वो इवन बोल देते हैं, सेकंड प्लांट से जो प्रोडक्शन हो रही है उसको ई टू इवेंट नाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू क्या रहेगी, 70/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू की बात करें तो वो 90/100, क्योंकि प्रोडक्शन थी, सॉरी प्रोडक्शन तो 70 और 30 था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करूं तो 70/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू की बात करूं तो 30/100। ठीक है, अब निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन क्या हो जाएगा, 80% स्टैंडर्ड की बोल रखी थी, 80/100 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू की बात करें 90% और 90/100 हो जाएगा। तो आगे बढ़ाते इस क्वेश्चन को, सीक्वेंस यहां से शुरू हो रहा है। फिर ठीक है, ये हमने बोल दिया पहले ही, प्रोबेबिलिटी इवन 70% था तो 70/100, प्रोबेबिलिटी ई टू इज 30% का मतलब 30/100। अब बेयस थ्योरम हमें बताती है, हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्लांट से अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार ली जाती है तो इवन गिवन ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवन गिवन ए का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, टू रहेगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, दैट इज 70/100 मल्टीप्लाई 80/100 अपॉन में 70/100 मल्टीप्लाई 80/100 प्लस 30/100 इंटू 90/100। सोल्व करेंगे 56/83 आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट, थ्री आर्म आर गिवन ईच कंटेनिंग रेड एंड ब्लैक बार। तीन कंटेनर है, तीन पतीले हैं, तीन भगोना कुछ भी कह लो उसको, तो क्या है, फर्स्ट कंटेनर में रेड और ब्लैक है, सेकंड में भी रेड ब्लैक और थर्ड में भी रेड ब्लैक है, बट उनकी नंबरिंग इस तरीके से दी है, फर्स्ट के अंदर 6 रेड 4 ब्लैक है, सेकंड कंटेनर में 2 रेड 6 ब्लैक है, थर्ड कंटेनर में 1 रेड 8 ब्लैक एंड ऑन ईच चूजन एट रैंडम।
तो रैंडमली एक अन को चूज किया जाएगा, तो एक अन को चूज करने का मतलब तीनों की एक जैसी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, फर्स्ट की भी, सेकंड की भी, थर्ड की, 1/3 निकलेगी। एंड ए बाल इज ड्रॉन फ्रॉम दैट अन, तो जिस अन को भी आपने चूज किया है उस में से एक बाल को ड्रॉ किया जा रहा है। द बाल ड्रॉन इज रेड, और जो ड्रॉ करोगे वो रेड बाल निकल के आती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बाल ड्रॉन इज आइदर फ्रॉम सेकंड और थर्ड, या तो सेकंड से हो या फिर थर्ड से हो। कहने का मतलब फर्स्ट भी नहीं, सॉरी सेकंड भी निकालेंगे, थर्ड भी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो रहेगा आंसर। एक तरीका तो ये है, बट हम इस रास्ते से नहीं जाने वाले हैं, हम चलते हैं दूसरे तरीके से। क्या मतलब, सेकंड और थर्ड पूछा उसने, हम निकाल लेते फर्स्ट का और वन में से माइनस कर देंगे। तो उसके लिए फिर से बात वही करनी पड़ेगी जो पहले से करते आ रहे, इवेंट को लेट करना पड़ेगा, E1, E2, E3 विद द इवेंट ऑफ बाल ड्रॉइंग फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आर्म रिस्पेक्टिव। लेट ए बी द इवेंट दैट द बाल ड्रॉन इज रेड, ए क्या हम लेट कर लेते हैं, जो बाल ड्रॉ की गई है वो रेड है, तो E1 और E2, E3 की प्रॉपर्टी 1/3 आ जाएगी, क्योंकि इक्वली लाइकली प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन इवन रेड बॉल कितनी, 6, टोटल कितनी हो जाएंगी 10, तो 6/10 इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ E1 सॉरी E2 गिवन A और E3 गिवन A। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन A, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, जिसकी मैं बात कर रहा था दूसरे रास्ते से, फर्स्ट की निकालेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, तो इसी का फॉर्मूला बनेगा। तो 1 में से माइनस कर दिया जाएगा ये फर्स्ट आर्म से चूज की गई बाल की प्रोबेबिलिटी, तो क्या रहेगी फर्स्ट से probability of E1 into probability of A given U upon the probability of E1 into probability of A given U plus probability of E2 into probability of A given U2 plus probability of E3 into probability of A given E3। ये बेस थ्योरम का सारा लिया गया, तो 1 में से माइनस कर दिया जाए इनकी वैल्यूज रखने पर, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे चलते नेक्स्ट पेज पे, इनको नीचे ऐड करोगे तो ये पाओगे, और कुल मिला के 1 - 1/5 × 540/173। इसको सोल्व करोगे इस तरीके से, और इसमें से 1 में से माइनस, यानी कि 1 के अकाउंट में कौन है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लिया जाएगा 173। एलसीएम लेकर जो कैलकुलेशन आएगी 65/173 आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, कौन सी है, आइदर सेकंड और थर्ड की प्रोबेबिलिटी कुछ भी थी वो आ चुकी है। नेक्स्ट है, ऑन ए कंटेन 2 white, 1 black and 3 red ball, एंड ऑन बी कंटेन 3 white, 2 black and 4 red ball, ऑन सी कंटेन 4 white, 3 black and 2 red ball, ओनली वन, यानी कि वन आर्म इज चूजन एट रेंडम। तो रेंडमली एक आर्म को चूज किया गया वहां पे, और कहता है एंड टू बाल आर ड्रॉन, जिस भी आर्म को आपने चूज किया गया है वहां से 2 बाल को ड्रॉ किया गया है। इफ द चूजन बाल हैपन टू बी रेड एंड ब्लैक, अगर जो भी चूज की गई है वो बाल उसमें से एक रेड और एक ब्लैक हो, तो पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बाल कम फ्रॉम आर्म बी, तो दोनों बाल जो ना कहां से आए, आर्म बी से आती हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताएं। तो सेकंड वाले केस को ऊपर रखें, बाकी नीचे तीनों को ऐड कर देंगे, बीस थ्योरम का सारा लेंगे। लेट E1, E2, E3 रिस्पेक्टिवली इवेंट दैट ऑन ए बी सी आर चूजन फ्रॉम ड्रॉइंग अ बाल, एंड लेट कर लिया जाएगा ए बी द इवेंट दैट टू बाल ड्रॉन हैपन टू बी 1 red 1 black,
बार, तो आप अन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या पाओगे? तीनों के लिए 1/3 कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी e1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी e2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी e3 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वली लाइकली चूज किए गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन बात करते हैं, ये फर्स्ट अन से वन क्या उठानी है आपने, रेड और वन ब्लैक। तो रेड की बात करते हैं तो फर्स्ट के अंदर कितनी है, थ्री रेड है तो 3c1 हो जाएगा, क्योंकि रेड 3 थी। ब्लैक में वन है तो 1c1 लिख दो, या सीधा वन भी लिख सकते थे। और टोटल जो आपके पास देखो कि फर्स्ट कंटेनर में 2 + 1 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गए, नहीं टोटल 6 थी। 6 में से टोटल निकाली जा रही है अपने पास 2, तो 6c2 नीचे डाल दिया जाएगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ए गिवन ए1। तो सोल्व करके कॉम्बिनेशन को तोड़ोगे तो 1/5 मिलेगा। सिमिलरली क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, यानी कि सेकंड आर्म से ये चूज की गई है, बार ड्रॉ की गई है, तो 4c1 2c1 9c2। क्या था ये, रेड थी 4 सेकंड में और ब्लैक थी 2, तो रेड भी 1 चाहिए ब्लैक भी 1 चाहिए, तो भी 2। नीचे क्या है, टोटल 9 थी, 9 में टोटल में से वैसे कितनी ड्रॉ कर रखी, 2, तो 9c2, इसको सोल्व कर भी 2/9। सिमिलरली ए गिवन ई थ्री की प्रॉपर्टी, वहां पर रेड है 2 और ब्लैक है 1, तो 2c1 3c1 अपॉन में 9c2, क्योंकि टोटल वहां पर 9 बाल है, तो हमें निकालनी है 2, तो 9c2 नीचे आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 1/6 बाल। एंड वी हैव टू फाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ई टू गिवन ए, तो प्रॉपर्टी ऑफ इवन ई टू गिवन ए की प्रॉपर्टी बनेगी, फार्मूला रहेगा बेस थ्योरम से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई टू अपॉन प्रोबेबिलिटी ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई थ्री। अब इनकी वैल्यूज डालने वाले हैं हम, काफी यहां देखिए 1/3 2 इंटू 2/9 अपॉन 1/3 इंटू 1/5 इंटू 1/3 2/9 प्लस 1/3 1/6। सोल्व करोगे तो पाओगे 20/53। नेक्स्ट, सपोज दैट 5 मैन आउट ऑफ 100 एंड 25 वोमेन, क्या कहा गए, 25 वोमेन आउट ऑफ 1000 आर गोल्ड ओरेटर। सपोज कीजिए, कहता है 100 मैन थे उसमें से 5 मैन और 1000 वोमेन में से 25 वोमेन आर गोल्ड ओरेटर हैं। एन ओरेटर इज चूजन एट रैंडम, तो उसको क्या है मतलब, ये कि कलाकार बोल सकते हो यहां पे, तो एक ओरेटर को चूज किया गया है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेल पर्सन इज चूजन, हाँ किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई है, मेल की, यानी कि मैन से बात कर रहा है। अज्यूम दैट देर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन, क्या कहा गया, अब आप जब प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे मैन की और वुमेन की, तो वहां पर इक्वल नंबर यानी कि 1/2 पाओगे। तो आगे बढ़ाते हैं, इवेंट लेट करते, इवन एंड ए टू लेट कर दिया हम, टू इवेंट चूजन पर्सन इज ए मैन और वुमेन रिस्पेक्टिवली। मैन को चूज करने का मतलब इवेंट है इवन, वुमेन को चूज करने का मतलब ई टू है। लेट ए बी द इवेंट दैट ए गो गुड करेक्टर, वहां पीछे शायद मैं गोल्ड बोल गया ऐसा लग रहा है मेरे को, हाँ ये गोल्ड नहीं गुड है, तभी मैं कह रहा गोल्ड चिली, कोई बात नहीं यहां पर गुड मान के चलिए, गुड ओरेटर। तो दोनों के लिए प्रॉपर्टी इवन और ई टू की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 1/2, मतलब एक तरीके से इक्वल नंबर ऑफ मैन है इक्वल नंबर ऑफ वोमेन, उन्होंने खुद कहा है देर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन, तो 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन ए वन इवन, प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन इवन क्या हो जाएगी, उसने कहा था इवन किसको बोल के आए हम,
मैन के लिए, मैन अपने पास वेरिएबल में बात करें तो 5 है, टोटल अपने पास 100 है, तो 5 बाय 100 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई1। अगर आप बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई2 की, ई2 हम किसको बोल के आए, वोमेन को, वोमेन कितनी फेवरेबल में बात करते तो वोमेन है 25 और कितने में से लिखे 1000 में से, तो 25/1000 लिखेंगे ए गिवन ई2 के लिए। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन गिवन ए बाय द बेस थ्योरम, इवन गिवन ए की प्रॉपर्टी बनेगी प्रॉपर्टी ऑफ इवन इनटू प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन इवन अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ इवन इनटू प्रॉपर्टी ए गिवन इवन प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ई2 इनटू प्रॉपर्टी ए गिवन ई2, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 5/100 अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई 5/100 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 25/1000, सो सॉल्व करके आएगा 2/2। अगर आपको पूछना है यहां पर आप कि कैसे ले पा रहे हैं इवन को ऊपर क्यों लिया आपने, ई2 को ऊपर क्यों नहीं लिया, तो यहां पर देखेंगे फाइंड द प्रॉपर्टी दैट इन मेल पर्सन इज चूजन, तो मेल हम किसको बोल के आए हैं, मेन, मेन कौन है, इवन लेकर चले, इसलिए इवन ऊपर आएगा बाकी नीचे ऐड हो जाएंगे सर। थैंक यू।